आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए भारत की आजादी के बाद देश के अंदर परिवर्तन और राजनीति के बारे में बताया। संवाददाता पवन गौर की रिपोर्ट, आप तक टाइम्स न्यूज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। 1947 में देश स्वतंत्र जरूर हुआ था, लेकिन आजादी के जिन संकल्पों को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को बलिदान किया था, क्या स्वतंत्र भारत ने तत्काल रूप से आजादी के उन अमर बलिदानियों की भावनाओं के अनुरूप भारत को आगे बढ़ाने का कार्य किया था? क्या भारत के अंदर बिना भेदभाव के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के उस पवित्र अभियान के साथ क्या ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा गया था? क्या यह सच नहीं कि आजादी के तत्काल बाद तुष्टीकरण की राजनीति ने इस देश को फिर से न केवल सांप्रदायिक विभाजन की ओर अग्रसर किया था, बल्कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, उग्रवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद की चपेट में हम इस देश को लगातार आजादी के बाद से धकेलते गए? और एक ऐसी भी स्थिति पैदा हो गई थी जब देश की सत्ता के खिलाफ आम जनमानस का आक्रोश सड़कों पर बोलता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन परिवर्तन भी होता है और हरेक आविष्कार उस समय की आवश्यकता के अनुरूप भी जन्म ले लेती है। और मुझे लगता है कि इस देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व को उसी एक रूप में लेकर के देखा है।